बॉम्बे में तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ऑडिशन के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, अलग अलग तरीके के। बट इस टाइम पे कुछ डिफरेंट लेवल के फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो कि जस्ट आज ही हुआ मेरे साथ, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेस भी हो गया। एक्चुअली हुआ यूं कि कोई जतिन खुराना करके लड़का है, उसने मेरे को कॉल किया और उसने मेरे को बोला कि वो मेरे से मड में शूट के दौरान मिला हुआ है, जबकि मेरे को पता है मैंने आज तक मड के अंदर कोई भी शूट नहीं किया है। बट फिर भी मैंने सोचा यार, ऑलरेडी काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, ब्लॉग शूट करते रहता हूँ, मैं भी मिला हूँ कभी, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उसने मेरे से बातचीत करी, कन्वर्सेशन थोड़ी बढ़ी और उसने मेरे को बोला यार कि मुझे बहुत ज़रूरत है, एक्चुअली मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं बोला कितने रुपए चाहिए? उसने बोला 100 रुपये। मैंने बिना सोचे समझे उसको 100 रुपये ट्रांजेक्शन कर दिए, ठीक है, क्योंकि यार बॉम्बे शहर में अगर कोई भूखे मर रहा है और हेल्प के लिए 100 रुपये मेरा क्या जाता है, मैंने दे दिया। बाद में जब मैंने ट्रू कॉलर पर चेक किया तो एक बंदे से इसने 500 रुपये ले रखे हैं और एक बंदे से इसने 5,000 रुपये ले रखे हैं, और काफ़ी सारे कमेंट है जिसमें ये पैसों के लिए पूछता है। दैट मीन्स काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैंने इसके लिए साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन कर दी है और अपना अकाउंट भी फ्रीज कर लिया है ताकि और दिक्कत ना हो। मे बी इसके साथ कोई हैकर वैकर भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट तुम बी अवेयर रहो, क्योंकि आज के टाइम में आर्टिस्ट भी इस तरीके के घिरे हुए काम कर सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं। ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा किसी की हेल्प होगी इसलिए मैंने 100 रुपये दिए, क्या पता सच में कोई बुरी दिक्कत में फंसा हो, क्योंकि मैं हेल्प के लिए पीछे नहीं हटता हूँ। मेरे दोस्त अभी भी हैं जो कभी कभी पैसे मांग लेते हैं, मैं दे देता हूँ। अननोन होकर के उसने मेरे से ऐसा झूठ बोल करके पैसा मांगा, दैट्स रियली हर्ट। भले मैं उसे जानता नहीं, मैंने फिर भी दिया। तो आप इस टाइप के फ्रॉड से बचो, ठीक है मुंबई वालों, और प्रिपेयर करते रहो एज एन आर्टिस्ट, अपने ऊपर काम करते रहो, क्राफ्ट करते रहो, इन गलत चीज़ों से बहुत दूर रहो। इस टाइप की चीज़ें में जब इंसान घुसता है तो उसको ये चीज़ों में मज़ा आने लग जाता है और वो सोचता है कि इससे लाइफ इजी चल रही है, बट ये चीज़ें जब आती है ना और इनका कर्मा जब आता है तो बहुत हार्ड होता है। बी अवे फ्रॉम दैट, ओके।